चलिए बच्चों, अब हम कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। बड़े ध्यान से आप देखेंगे बच्चों। सबसे पहले प्रोडक्शन का मीनिंग, व्हेन ए मैन यूटिलाइज और कन्वर्ट सम रिसोर्सेज इनटू एनीथिंग यूजफुल, समथिंग न्यू जो कि ह्यूमन वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर सके, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने वुड का टुकड़ा लिया, वो किसी काम का आपके नहीं है, उससे आपने चेयर बना दी, वो बन जाएगी प्रोडक्शन। आपने कपड़े का एक पीस लिया, उससे शर्ट बना दी, वो क्या हो जाएगी प्रोडक्शन। अगर आप ध्यान से समझें, प्रोडक्शन के लिए समथिंग यूजफुल शुड बी क्रिएटेड, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज। जैसे देखिए, ब्रेड से एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, फिर मैं आगे अपना टॉपिक बढ़ाऊंगा। ब्रेड से सैंडविच बनाया, घर पर बनाया, क्या वो प्रोडक्शन है? बेकरी में बनाया, वो प्रोडक्शन है? यस। एक पर्सन मैथ्स के टीचर हैं, उन्होंने अपने बच्चे को घर पे बुलाया, पढ़ाया, क्या वो प्रोडक्शन है? बाहर के बच्चे फीस लेकर पढ़ाए, वो प्रोडक्शन है? तो एक बात समझ आ रही है, वॉलंटरी काम, फ्री का काम प्रोडक्शन नहीं है। तो प्रोडक्शन के पहले दो फंडामेंटल आते हैं। पहला तो यूटिलिटी क्रिएट होनी चाहिए, कुछ काम की चीज बननी चाहिए, एंड सेकेंडली मनी मोटिव होना चाहिए। नथिंग शुड बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। मनी मोटिव मतलब सम कंसीडरेशन शुड बी देयर। तो यहां पर तीन स्पेशल पॉइंट आते हैं, तीन ऐसे काम हैं वो प्रोडक्शन से बाहर है। पहला डोमेस्टिक वर्क, जो आप लोग घर के काम करते हैं अपने, वॉलंटरी वर्क फॉर सोसाइटी, जैसे एनजीओ एनपीओ होती हैं, सोसाइटी के लिए कोई काम करना, एंड गुड्स फॉर, जैसे केतन ने ब्रेड लेके सैंडविच बनाया, वैसे गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन। आज तो एग्जाम्पल में भी ब्रेड आ रहा है, देख लिखा भी हुआ, मैंने नहीं बनाया है ना, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, क्रिएशन ऑफ, हमने कहा प्रोडक्शन एक ऐसी एक्टिविटी है जो यूटिलिटी क्रिएट करेगी। छह तरह की यूटिलिटी है, टाइम, फॉर्म, प्लेस, पर्सनल, पोजेशन, नोइंग। फॉर्म यूटिलिटी, कोई चीज आपके काम की तब हुई जब उसकी फॉर्म चेंज होगी, लकड़ी से फर्नीचर और कपड़े से शर्ट। प्लेस, कोई चीज आपके काम की हुई जब देयर इज अ चेंज इन प्लेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। टाइम यूटिलिटी, वो चीज आपके काम की तब है जब वो आपकी जरूरत के समय आपको मिल गई, फॉर एग्जाम्पल स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। जैसे अपने घर का एग्जाम्पल हो, मटर, मटर पूरा साल नहीं आते, बट आपके घर में सारा साल आते हैं, क्योंकि फ्रोजन आ जाते हैं, स्टोरेज करके, रेफ्रिजरेट करके आ जाते हैं। पर्सनल यूटिलिटी, जो आपकी पर्सनल स्किल्स पर यू नो डिपेंड करती है, जैसे रेस्टोरेंट या सैलून सर्विसेज, ब्यूटी पार्लर्स। पोजेशन यूटिलिटी, एक प्रोडक्ट का, एक गुड्स का पोजेशन चेंज हुआ, वो आपके काम का तब हुआ जब वो आपके पास आ गया, जैसे एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए इकोनॉमिक्स की बुक। एंड लास्ट नोइंग यूटिलिटी, वो चीज पहले भी काम की थी बट आपको पता नहीं थी, आपके लिए वो काम की तब बनी जब पता चल गया, दिस इज नोन एज नोइंग यूटिलिटी। क्लियर है बात? ये मेरा फर्स्ट पोर्शन होता है। सेकेंड पोर्शन होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमारे पास चार इनपुट, चार फैक्टर हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, इसमें सोइल, वाटर, वेजिटेशन, एयर सब कवर होता है। और लैंड का रिवॉर्ड क्या होता है बच्चे? रेंट। लैंड की कुछ फीचर है, पहला फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, आप क्रिएट नहीं करते। सप्लाई क्या है? फिक्स्ड, इम्पेरिशेबल है, फर्टिलिटी की बात नहीं कर रहा, बट ये खत्म नहीं होती। इमोबाइल है, आप लैंड को मूव नहीं करवा सकते। और पैसिव है, लैंड अपने आप काम नहीं करती, यू नीड टू वर्क ऑन इट। एंड लैंड के क्या यूजेज है? मल्टीपल, राइट बच्चे? देखो, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, साथ साथ आस्क मी साइमल्टेनियसली, बाद में नहीं, साथ साथ। लेबर, ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। हम ना अकाउंटिंग में लेबर समझते हैं जो मजदूर है, वेजिस वाला, नहीं, यहां नहीं होता। यहां पे कोई भी फिजिकल मेंटल फोर्स है वो लेबर है, चाहे वो आपका सीईओ है, चाहे वो आपका वो स्वीपर है, और इसका रिवॉर्ड वेजिस है। एंड इकोनॉमिक्स में, व्हेन आई एम सेइंग वेजिस, आई एम इंक्लूडिंग सैलरी ऑल्सो। इसकी फीचर, मोबाइल है, मूवेबल होता है लेबर, यस। एक्टिव है, एक बार काम बता दो। पेरिशेबल है, क्वालिटी डाउन होती है। लेबर पावर हर पर्सन की अलग अलग होती है, लेबर मैन है, मशीन नहीं है। लेबर की वीक बार्गेनिंग पावर है एज पर इकोनॉमिक्स, रियलिटी में शायद मैं अग्री ना करूं इस बात से। एंड लास्ट, लेबर और लेबरर बच्चे एक ही बात है, वेदर यू से लेबर, वेदर यू से द पर्सन हु इज ए लेबर। देन कम कैपिटल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, पैसा जिससे मशीन आएगी, बिल्डिंग सब इससे आएगा।
दैट पार्ट ऑफ वेल्थ विच हैज बीन इन्वेस्टेड इन यूर बिजनेस. मान लीजिए आपकी वेल्थ है 500 करोड़, आपने बिजनेस में लगाए 200 करोड़, तो टेल मी कैपिटल 500 करोड़ है या 200 करोड़ जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया. कैपिटल का एक और फॉर्मूला होता है एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन, असेट माइनस कैपिटल. परचेज करने के लिए असेट, स्टॉक, प्रॉपर्टी कैन बी फिक्स, कैन बी फ्लक्चुएटिंग, कैन बी करंट, कैन बी नॉन करंट, कैन बी टैंजिबल, कैन बी इनटैंजिबल. आपने ब्रह्मास्त्र कर रखा है चैप्टर, यस ये कर रखा है. आई थिंक डिमांड सप्लाई रहता था शुरू में, बाकी सब थे. फीचर्स, इट इज मैन मेड, आप क्रिएट करते हो. मोबाइल है, मूवेबल है, अभी गूगल पे से पैसे डाल लो. इलास्टिक है, कम ज्यादा कर सकते हो. पैसिव फैक्टर है, खाली पैसा किसी काम का नहीं है, उसको किसी पर्पस के लिए, किसी परचेज के लिए लगाना पड़ता है. कैपिटल पेरिशेबल है, दो तरीके से पेरिशेबिलिटी बताता हूं. एक तो मनी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, और असेट में इन्वेस्टेड तो वो डेप्रिशिएट हो जाती है. कैपिटल प्रोडक्टिव है, दुनिया में जितने भी प्रोडक्टिव काम करने हैं यू नीड कैपिटल. और कैपिटल स्टॉक कंसेप्ट है. हमारे इकोनॉमिकली दो कंसेप्ट होते हैं, स्टॉक और फ्लो. पानी की टंकी में पानी खड़ा है वो स्टॉक है, आपने टैप खोला पानी गिरा वो क्या है? तो कैपिटल एज ओन होती है, स्टॉक होती है. क्या होती है बच्चे? स्टॉक. कैपिटल ड्यूरेबल है, जितनी मर्जी यूज कीजिए. और कैपिटल का रिवॉर्ड क्या होता है? इंटरेस्ट. लेबर की वीक बार्गेनिंग पावर है कि आप लेबर को जितनी मजदूरी पे रखोगे वो आपसे ज्यादा बार्गेनिंग नहीं करेगा, चुपचाप आ जाएगा. एंटरप्रेन्योर, द पर्सन हु कंसीव द आइडिया, हु कन्वर्ट द आइडिया इनटू रियलिटी, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कलेक्ट करता है, उनमें कोऑर्डिनेशन करता है, प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, और दो इंपॉर्टेंट बातें, रिस्क लेकर इनोवेशन करता है. पहले जो बिजनेस करता था उसको बिजनेसमैन बोलते थे, अब बिजनेसमैन जब इनोवेशन करता है उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं. एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड क्या होता है? आजकल कहते हैं स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप, दैट स्टार्टअप इज नथिंग बट एंटरप्रेन्योरशिप. क्या है वो? एंटरप्रेन्योर. जाने बात, ये मेरे चैप्टर का सेकेंड हिस्सा. अब आएगा थर्ड हिस्सा, और फिर आएगा फोर्थ हिस्सा, और फिर आएगा चैप्टर समाप्त. पहले मेरे को कराने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, उसके लिए मुझे चाहिए तीन तरह के प्रोडक्ट. प्रोडक्ट कैन बी डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स, टोटल प्रोडक्ट टीपी, एवरेज प्रोडक्ट एपी, मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी. टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द, आपने 10 प्रोडक्ट बनाए 10 लेबर यूज करके 150 यूनिट बना ली. लेबर, इसमें हम लेबर का प्रयोग करेंगे, किसका करेंगे? एवरेज में पर यूनिट ऑफ टीपी, टीपी डिवाइड बाय एल. 10 लेबर ने 150 बनाए थे, तो एक लेबर ने पर यूनिट कितना बनाया? 150 डिवाइड बाय 10, 15. मार्जिनल देखो फिर आ गया, हमेशा आता है एडिशनल प्रोडक्शन ड्यू टू एडिशनल यूनिट ऑफ. फॉर्मूला क्या बनेगा? टीपीएल माइनस टीपीएल माइनस, या फिर डेल्टा टीपी बाय डेल्टा एल. ये शेड्यूल आपके सामने है, देखो आपने अपने हाथ से किया, फिर भी एक बार इसको दोबारा देख लेना एपी टीपी कैसे निकले. राइट, अब मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, प्रोडक्शन फंक्शन, द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. इसको दो तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग गिवन इनपुट, या फिर मिनिमम अमाउंट ऑफ इनपुट दैट कैन बी यूज्ड फॉर गिवन आउटपुट. आउटपुट गिवन है तो इनपुट मिनिमम, इनपुट गिवन है तो आउटपुट मैक्सिमम. एक प्रोड्यूसर यही चाहता है, इनपुट कम से कम लगे, आउटपुट ज्यादा से ज्यादा हो. तो क्यू इज ए फंक्शन ऑफ एबीसीडी, और यू कैन से क्यू इज ए फंक्शन ऑफ एल एंड के. एल स्टैंड फॉर के, स्टैंड फॉर, बट जब मैं आपको थोड़ी देर में कोब डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन बताऊंगा वहां पे सी आ जाएगा कैपिटल का. राइट, डन है? कुछ एजम्पशन है, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होगा, टेक्नोलॉजी सेम रहेगी, फर्म का मोस्ट एफिशिएंट टेक्निक होगा, और दो हेड में आएगा शॉर्ट और लॉन्ग. टाइम पीरियड को मैं दो पार्ट में बांटूंगा, शॉर्ट और, कर दिया बेटे, शॉर्ट और लॉन्ग. शॉर्ट वो जिसमें सब कुछ क्या है, जिसमें एटलीस्ट एक फिक्स्ड है, और लॉन्ग वो जिसमें सब कुछ क्या है, वेरिएबल. और शॉर्ट रन के दो लॉ हैं, लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. एक ही है, मतलब एक ही है, दो नाम है. और लॉन्ग रन का एक ही लॉ है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल. और लॉन्ग रन शॉर्ट रन में बहुत बार बताया, हर टॉपिक में, हर चैप्टर में बताया कि डिफर फ्रॉम बिजनेस टू
खरीदना। अब ध्यान से देखिए, फिक्स्ड और वेरिएबल ऑलरेडी आपको पता है, कॉस्ट में आप पढ़ चुके हो। फिक्स जो चेंज, वेरिएबल जो चेंज, लो वेरिएबल पोर्शन। देखिए ऑल्दो ये एमपी पर है, पर मैं एमपी टीपी दोनों पे बताऊंगा। पहले एमपी पे, एज मोर एंड मोर वेरिएबल यूनिट्स आर कंबाइंड विद फिक्स, मतलब लेबर इज कंबाइंड विद कैपिटल, एमपी स्टार्ट इंक्रीजिंग, ए पॉइंट कमिट स्टार्ट डिक्रीजिंग, ए पॉइंट कमिट बिकम जीरो एंड इवन नेगेटिव। और टीपी पहले स्लो रेट पे, सॉरी फास्ट रेट पे, फिर स्लो रेट पे, फिर मैक्सिमम, फिर फॉलिंग। शेड्यूल आपने देखा, मैं डायग्राम दिखाना चाहूंगा, देखो एक बार डायग्राम। टीपी पहले फास्ट है यहां तक, फिर स्लो, मैक्स गिर गया, एमपी यहां तक बढ़ा फिर गिर गया जीरो नेगेटिव, एपी बढ़ा और गिर गया। और आपको पता है जहां तक एमपी मैक्सिमम होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और तीन स्टेज बनती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट इंक्रीजिंग रिटर्न, सेकंड डिक्रीजिंग रिटर्न, थर्ड नेगेटिव रिटर्न। कौन सी बच्चे? ये मेरा शायद इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से, टीपी एमपी का रिलेशन, व्हेन टीपी इज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग रेट, एमपी इज आल्सो इंक्रीजिंग टिल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, देन टीपी इज डिक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, एमपी इज डिक्रीजिंग। टीपी जब मैक्सिमम है एमपी क्या है? और जब टीपी गिर रहा है एमपी क्या है? एमपी क्या है? ये स्टेजेस आप पढ़ लीजिएगा, इसमें वही एक्सप्लेन कर रखा है, कुछ अलग से नहीं है। तीनों स्टेजेस को एक बार पढ़िएगा जरूर। और सबसे बेस्ट स्टेज कौन सी है? फिर फर्स्ट बोल रहे हो, सेकेंड इज द बेस्ट स्टेज। अच्छा एपी एमपी का रिलेशन आपके सामने है, देख लिया एक बार डायग्राम, देखिए फिर बताओ, देख लिया डायग्राम। जब एपी बढ़ है तो एमपी उससे ज्यादा है, एपी गिरा तो एमपी उससे, और एमपी एपी को उसके मैक्सिमम पॉइंट पे, ये एसी एमसी ज्यादा ही है बस। बट वो कहता है एमसी एसी को लोएस्ट पे काट रहा था, यहां पे एपी उसको मैक्सिमम पे काट। अच्छा एमपी जीरो हो सकता है, यस और नो? एपी एमपी नेगेटिव भी हो सकता है, क्या एपी जीरो हो सकता है? एंड स्पेशल नोट, स्पेशल लिखा तो पेपर के लिए स्पेशल होगा, याद रखना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन टीपी का वो पॉइंट है जिसपे कोरस्पॉन्डिंग एमपी मैक्सिमम है। देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से पहले क्या होता है, टीपी फास्ट होता है, एमपी बड़ा होता है, इन्फ्लेक्शन के बाद टीपी गिर जाता है, मतलब सॉरी स्लो हो जाता है और एमपी गिर जाता है। समझ रहे बात को? एमपी गिरना शुरू हो जाता है और टीपी स्लो जाता है। ये हमारे दो बहुत अच्छे इकोनॉमिक्स हुए, कोब एंड डगलस, इन्होंने यूके को स्टडी किया और बताया कि वहां पे प्रोडक्शन फंक्शन है क्यू इज इक्वल टू के, के मतलब प्रोडक्टिविटी फैक्टर, एल की पावर अल्फा, सी की पावर एल फॉर लेबर, सी फॉर कैपिटल, एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वन। इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि कैपिटल का प्रयोग है 25% और लेबर का प्रयोग है 75%, 1/4 और 3/4। और कोब डगलस ने आपको आते आते क्वेश्चन दिख जाएगा, पेपर में आता ही है, ध्यान रखिए। ये बड़ा आसान है, लॉन्ग रन का लॉ ऑफ रिटर्न टू, सब फैक्टर वेरिएबल है, अब सबका प्रोपोर्शन बढ़ाएंगे, होगा क्या? अगर इनपुट बढ़ाने के बाद आउटपुट इंक्रीज ज्यादा, उसको बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न। क्या बोलेंगे? मान लो इनपुट बढ़ाया 20, आउटपुट बढ़ गया 30, एग्जांपल। एक होता है कांस्टेंट, इंक्रीज इन आउटपुट इज एग्जैक्टली इक्वल टू इंक्रीज इन, दोनों 20-20 हो गए। और एक होता है डिक्रीजिंग, आउटपुट का इंक्रीज इनपुट से कम है। मैंने इनपुट बढ़ाया 20, आउटपुट 20 से कम बढ़ा, 15, 16, 18। बट एक इंटरेस्टिंग बात है, पूछो क्या? लॉन्ग रन में नेगेटिव रिटर्न नहीं होगा, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या कांस्टेंट, वो नेगेटिव या जीरो पे नहीं जाएगा। और इसकी बेस्ट स्टेज कौन सी है? कांस्टेंट, यस, हां जी। और कोब डगलस ने भी तीन फॉर्मूले दे दिए, इंक्रीजिंग में कहता है वो अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन, डिक्रीजिंग में अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन, और कांस्टेंट में इक्वल टू। अल्फा क्या था? लेबर की पावर, और बीटा क्या था? कैपिटल की, याद है ना, अभी बताया। देन एक बार बताओ, रीजन याद है लॉ ऑफ रिटर्न के? मैंने कहा था इंक्रीज, देखो कांस्टेंट का तो रीजन नहीं है, इंक्रीजिंग का रीजन है इकोनॉमी, डिक्रीजिंग का है डिस इकोनॉमी, और दोनों को मैं दो पार्ट में बांटता हूं, इंटरनल और इंटरनल। जो एडवांटेज आपकी कंपनी की इकोनॉमी, जो डिसएडवांटेज है वो डिस इकोनॉमी, एक्सटर्नल पूरी मार्केट की एडवांटेज इकोनॉमी, पूरी मार्केट की डिसएडवांटेज डिस इकोनॉमी। इंटरनल में देखना टेक्निकल, फाइनेंशियल, मैनेजरियल, रिस्क बेयरिंग, कमर्शियल। एक्सटर्नल में चीपर रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजिकल, स्किल लेबर, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, एंसिलियरी, बैंक, इंश्योरेंस एटसेट्रा। और डिस इकोनॉमी भी सेम है, उल्टा हो जाएगा बस, चीपर रॉ मटेरियल,
महंगा हो जाएगा, स्किल्ड लेबर अनस्किल्ड हो जाएगा। आपका फाइनेंस अच्छा है तो फाइनेंशियल इकोनॉमी है, फाइनेंस खराब है तो फाइनेंशियल डिसइकोनॉमी। ये तो फर्स्ट चैप्टर वाली प्रोसेस है, सेविंग, मोबिलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट। ये एक दो चार्ट है एंटरप्रेन्योर के फंक्शन, प्रोडक्शन करता है, रिस्क लेता है, इनोवेशन करता है, ये उसके कुछ ऑब्जेक्टिव है। मेरा मेन टॉपिक ऊपर तक ही है, ये आप चाहो तो रीड कर लेना, अगर आपने पहले कर रखा तो दोबारा करने की जरूरत। हाँ, आपको बुक में से एक टॉपिक करना है, टाइप ऑफ कैपिटल, वो आपने बना रखे हैं, सर्कुलेटिंग, वर्क इन प्रोग्रेस वाले वो सारे, सोशल कैपिटल वो सारे। तो दिस इज योर चैप्टर जो होता है यहां पर, इसको ना इसका सेम पैटर्न है, पहले नोटबुक से पढ़ेंगे और फिर सीधा ब्रह्मास्त्र करेंगे। ठीक है, टॉपिक यहां पे करते हैं समाप्त। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय श्री राम, जय माता।